वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या है, इन द फिगर द टू ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट। ये दो ट्राइंगल दिए हैं, एक और ये दो, ये दोनों कंग्रुएंट है, सर्वांग सम है। कोरस्पोंडिंग पार्ट्स आर मार्क्ड, यानी इसके जो संगत भाग है, यानी ये जो ए और आर है, ये किसके बराबर है? ये दो लाइन दिए ना, तो दो लाइन, ये डब्ल्यू ओ के बराबर है। ओके, ए आर इज इक्वल टू डब्ल्यू ओ, और ए टी इज इक्वल टू, ये ए टी है, ये है एन ओ के बराबर है। और ये दिया है कि एंगल ए, ठीक है, एंगल ए यानी आर ए टी, आर ए टी, एंगल आर ए टी इज इक्वल टू एंगल एन ओ डब्ल्यू, राइट। और इसी तरह से दिया है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल टी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल टी। ये चार चीजें हमारे को दी हुई है। अब आपको क्या ये कह सकते हैं कि ये एक सर्वांग संग त्रिभुज है? इसके आधार पे देखिए, ये क्या है, ए आर साइड, ये क्या है साइड, ये क्या है एंगल, ये क्या है एंगल, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है, दो एंगल के बीच में एक साइड, ये एंगल और ये एंगल के बीच में एक ये साइड है, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल के बीच में ये एक साइड है, तो हम कहेंगे कि ए एस ए, ये क्राइटेरिया जो है इससे ये सर्वांग सम है। और क्या कह सकते हैं, ये एस साइड, ये साइड और ये एंगल, ठीक है, एस ए एस, ठीक है, ये साइड और ये साइड और एंगल, तो हम इसको कह सकते हैं एस ए एस, ये भी कह सकते हैं साइड एंगल, साइड एंगल, साइड एंगल। अब आप इसको, इसीलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एंगल वन और एंगल टू जो है ये कंग्रुएंट है। तो आर ए टी इज कंग्रुएंट विथ किस, आर ए टी इज कंग्रुएंट विथ, ठीक है, किसका, ये आएगा डब्ल्यू ओ एन, डब्ल्यू ओ एन, ठीक है। आर के बराबर कौन सा है, आर के समान कौन सा है, डब्ल्यू, ठीक है, और ओ के, आर के समान कौन सा है, डब्ल्यू, ए के समान कौन सा है, ओ, और एन के समान कौन सा है, टी, ठीक है, टी के समान है एन, तो डब्ल्यू ओ एन, डब्ल्यू ओ एन यहां आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, ठीक है, वन, क्लियर। आप इसका आंसर यहां देख सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।